तो इस क्वेश्चन को देख के क्या लगता है, ये पहली नज़र में लगता है साइन थीटा बाई थीटा फॉर्म में अपीयर कराया जा सकता है, ठीक है, कुछ ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन अभी तो साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स फॉर्मेट है जिससे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन थीटा बाई थीटा फॉर्म में, देन हम स्टैंडर्ड लिमिट जो होती है थीटा अप्रोचिंग टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा वन होता है उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो हमारा जो एक दायरा है कि कैसे इस क्वेश्चन पे प्रोसीड करना है वो एक तैयार हो चुका है, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, से एक्स अप्रोचिंग टू पाई है तो एक्स माइनस पाई को हम लोग क्या कर देते हैं, या पाई एक्स माइनस पाई को हम से पाई माइनस एक्स को हम पुट कर देते हैं, पाई माइनस एक्स इज वाई, ये एज्यूम कर लेते हैं। लेट अब होगा क्या, एज एक्स अप्रोचिंग टू पाई, अगर एक्स पाई को अप्रोच कर रहा है इम्प्लाइज जो एक्स माइनस पाई है ये किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को अप्रोच करेगा। तो एक्स अगर पाई की तरफ जा रहा है तो एक्स और पाई में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, दैट मीन्स ज़ीरो हो जाएगा, या पाई माइनस एक्स का भी डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो हो जाएगा। तो माइनस वाई दैट इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो, और ये हम कह सकते हैं कि वाई इज़ ऑल्सो अप्रोचिंग टू ज़ीरो। तो ये पूरा ही क्वेश्चन जो आपका है लिमिट वेरिएबल वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिमिट वाई अप्रोचिंग टू ज़ीरो एंड नाउ साइन पाई माइनस एक्स को हमने क्या लिखा था, एज्यूम किया था वाई, और नीचे भी आपका हो जाएगा पाई और पाई माइनस एक्स वाई हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये पाई एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको हम लोग बाहर कर देते हैं लिमिट से, तो वन बाई पाई लिमिट वाई अप्रोचिंग टू ज़ीरो साइन वाई अपॉन वाई, और साइन थीटा बाई थीटा फॉर्म आ गया है, जो हम लोगों ने एक न्यू रखी थी क्वेश्चन की, या सोच थी कि हमें ऐसे ही प्रोसीड करना है, उसी चीज़ को फॉलो किया गया, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका वन बाई